सो गाइज, अगर आप भी देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर विलास के कुछ ऑप्शन, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही अमेजिंग विलास के ऑप्शन, जो कि प्राइम लोकेशन पर रहेंगे और इंडिपेंडेंट विलास रहने वाले हैं और गेटेड सोसाइटी के अंदर रहने वाले हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिवरुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। गाइज, एक बार फिर से आ गए हूँ आप सभी लोगों को दिखाने के लिए एक विलास के ऑप्शन। सो आज जो हम कम्युनिटी कवर करने वाले हैं, इसके अंदर अभी कोई सैंपल विला नहीं है। इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जिसमें कि सिंधुजा विलास, सत्य विलास, आर्श ग्रीन विलास, काफ़ी सारे विलास के ऑप्शन हमने कवर करे थे, सेम ही लोकेशन पर सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में विलास आपको मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज आर्श ग्रीन विला पार्ट 2, जो कि इनका ये एक विला का कंपाउंड पहले डिलीवर कर चुके हैं, अभी ये दूसरा फेज़ यहाँ पर लेकर आ गए हैं। पहले हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में, फिर हम बताएंगे किस तरीके से विलास यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइस, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन बहुत ही प्राइम रहने वाली है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर आप गौर सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी पर ये विलास के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। राजेश पायलट गोलचक्कर पड़ता है, वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद में हार्डली आप मान के चलिए 500-600 मीटर की दूरी पर आपको ये विलास के ऑप्शन मिल जाते हैं सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। सो अगर हम बात करते हैं लोकेशन के सराउंडिंग में, आपको काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें कि स्पर्श ग्लोबल स्कूल मिल जाता है, श्रीराम ग्लोबल स्कूल मिल जाता है, VGS विजनाथम मिल जाता है, और भी काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल, जैसे कि इंस्पायर पब्लिक स्कूल हो गया, इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल हो गया, ये सारे स्कूल्स आपको विसिनिटी में मिलेंगे। हॉस्पिटल्स की बात करें तो न्यूमेड हॉस्पिटल आपको मिल जाता है, जो कि हार्डली 1-2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की, वो भी विदिन 2 किलोमीटर्स की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा नॉलेज पार्क 5 पूरा यहाँ पर रहने वाला है, जो कि बिल्कुल इस सेक्टर के अपोजिट ही देखने को मिलेगा। मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें, तो अगर प्रपोज मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नॉलेज पार्क 5 का मेट्रो स्टेशन, जो कि हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं अभी जो करंटली मेट्रो स्टेशन ऑपरेशनल है, तो वो आपको मिल जाता है करीबन 9-10 किलोमीटर की दूरी पर, सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन, जो कि अभी रनिंग में है, जहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो, ई रिक्शा, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाती हैं। सो अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग में, आपको काफ़ी बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका ATS का प्रोजेक्ट है, कोको काउंटी है, सिक्का का प्रोजेक्ट है, और भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं और कुछ डिलीवर्ड होने वाले हैं। तो सराउंडिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अथॉरिटी के ग्रीन बेल्ट, अथॉरिटी के पार्क हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके विदिन आप मान के चलिए 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली है। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट का मैंने बताया आर्श ग्रीन विला पार्ट 2 के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है। बहुत बड़ा ये कंपाउंड रहने वाला है, गेटेड सोसाइटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, सोसाइटी के अंदर आपको मिलेंगी अमेनिटीज, जिसमें कि आपको क्लब हाउस मिल जाता है, बैंक्वेट हॉल मिल जाता है, जिसमें कि आपको जिमनेजियम मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस सोसाइटी के अंदर लगी है, नॉर्मली क्या है विलास के अंदर गेस्ट पार्किंग का इशू रहता है, लेकिन यहाँ पर एक डेडिकेटेड एरिया आपको मिल रहा है, जो कि गेस्ट पार्किंग का रहने वाला है। गार्ड के लिए प्रॉपर फैसिलिटी मिलने वाली है, एक प्रॉपर गार्ड एरिया देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको मैप की मदद से थोड़ा समझाने वाला हूँ किस तरीके से रहने वाला है। सो गाइस, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का पहले एलिवेशन रहने वाला है। ये आप एलिवेशन देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का डुप्लेक्स विला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा मैप आ जाता है किस तरीके से विलास की प्लेसमेंट रहेगी। आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा आ जाता है गार्ड एरिया, यहाँ पर ये प्रॉपर गार्ड रूम मिलने वाला है। उसके अलावा आपको वाइड रोड मिलेंगी, 24 फीट वाइड रोड आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको इस साइड आपको मिल जाता है ओपन पार्किंग एरिया, जो कि गेस्ट पार्किंग के लिए आपको एरिया मिलने वाला है।
हमारे पास जो अभी साइजेस रहने वाले हैं ये इतने सारे साइजेस आपको कस्टमाइजेबल साइजेस हैं, बाकी मेन जो साइज हैं 1695 स्क्वायर फीट और 2175 स्क्वायर फीट, 1965 स्क्वायर फीट, ये तीन साइज हमारे पास रहने वाले हैं। इन विलास की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको डेप्थ मिल रही है, 34 डेप्थ मिल रही है, कहीं 31 फीट की डेप्थ मिल रही है, काफ़ी गहरी डेप्थ आपको मिल रही है। यहाँ पर ये सारे विलास आपको ऐसे ही बने मिलेंगे। किसी को रिक्वायरमेंट है दो विला कस्टमाइज़ कराने की तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर विला आपको सेमी फर्निश कंडीशन में मिलेंगे। इनका पोजीशन अगर हम बात करें तो करीबन एक साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, बाकी हमारा टारगेट है उससे पहले ही डिलीवर करें। सो गाइज मैंने आपको अभी ये मैप दिखा दे, इस तरीके से 88 विलाज आपको देखने को मिलेंगे पूरे कंपाउंड के अंदर। सिक्योरिटी आपके पास है, अमेनिटीज़ आपके पास हैं, गेस्ट पार्किंग आपके पास है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पर एलिवेशन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। 3 BHK डुप्लेक्स विला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर वाइड रोड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल रोड 20 फीट वाइड रोड है, मेन रोड आपकी 24 फीट वाइड रोड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से यह प्लेसमेंट दी गई है, और मेन रोड की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट आपकी 60 मीटर की रोड से आपको रहने वाली है। सराउंडिंग में आपको मिलेंगे अथॉरिटी के सेक्टर देखने के लिए, तो जहाँ पर हमेशा ग्रीनरी रहने वाली है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको 80% तक की लोन फैसिलिटी मिल जाती है, और यहाँ पर एक साथ आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, तो पेमेंट आपको 20% से बुकिंग करानी है, बाकी 80% आप चाहे सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं। पोजीशन मैंने आपको बता दिया, विद इन अ ईयर आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी सोसाइटी डेवलप हो रही है, काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि अगर किसी को कस्टमाइज़ कराना मिला तो वो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आपको 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर प्राइस रहने वाले हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली अभी विलाज में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी हाई प्राइस चले गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कम प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग आप मान के चलिए करीबन 68-70 लाख रुपीज़ से आपको स्टार्टिंग यहाँ पर मिल जाती है, जो मिनिमम साइज़ है यहाँ पर सबसे छोटा वाला, जो कि करीबन 1695 स्क्वायर फीट का साइज़ रहने वाला है। सो कोई भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी लें और विज़िट करें। मैं यही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अभी सैम्पल यूनिट नहीं है, लेकिन जो भी एक्चुअल विला है, एक्चुअल साइट पर बन रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, सब कुछ आपको विज़िट के टाइम पर दिखाया जाएगा। तो एक बार आकर अपनी विज़िट करें, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।